सीकर लोकसभा क्षेत्र में छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुए। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई, जो शाम 6 बजे तक चली। जिले भर में वोट देने के लिए मतदाताओं में भारी उत्साह नजर आया। मतदाता अपने परिवार के साथ वोट देने के लिए पहुंचे। कई बूथों पर देवरानी जेठानी साथ में वोट देने के लिए आई तो कई जगह पर दादी पोती का हाथ थाम कर अपना मत देने के लिए आई। भाजपा और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों ने भी सुबह वोट किया। सीकर से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अमराराम ने अपने गांव मुंडवाड़ा में मतदान केंद्र संख्या 222 लादूराम जोशी उच्च माध्यमिक विद्यालय में बनाए गए मतदान केंद्र में मतदान किया। उन्होंने कहा कि 10 साल में किसान और आम आवाम की आवाज संसद में नहीं गूंजी है। वहीं सीकर से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती ने पिपराली गांव के बालाना जोहड़ के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में मतदान केंद्र 219 में मतदान किया। उन्होंने कहा कि गौ माता की सेवा करके और हवन यज्ञ करके आज मतदान किया है। वहीं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान केंद्रों पर सुबह से धीरे धीरे मतदान का प्रतिशत बढ़ा। लोगों ने कतारों में खड़े होकर मतदान किया। मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी मतदान करने के लिए पहुंची। मतदान को लेकर लोगों में भारी उत्साह नजर आया। लोकसभा क्षेत्र सीकर के विधानसभा क्षेत्र धूद के बूथ संख्या 7 मध्य भाग पर सहायक सूचना जनसंपर्क अधिकारी नवविवाहित राकेश और प्रियंका ने मताधिकार का प्रयोग कर आमजन को मतदान करने का संदेश भी दिया। हमारा तीसरा मतदान है। मतदान देगी, हमें बहुत अच्छा लगा। सुबह से हमने तैयारी कर रखी थी मतदान देने की, जो हमने पूर्ण कर ली। और मतदान सभी को करना चाहिए, सबको परिवार के साथ मिलके करना चाहिए। हम लोगों ने भी परिवार के साथ आके यहाँ मतदान किया है और सभी से अपील करते हैं कि मतदान सभी को मिलके करना चाहिए और एक उत्सव की तरह इसको लोकतंत्र के पर्व को मनाना चाहिए। इंद्र सर, मतदान का जो अवसर है वो सभी को करना चाहिए। हम भी घर से निकल निकल के अपने परिवार के साथ आए हैं। आप भी सब आओ, एकजुट होकर मतदान करो। मैडम प्रीति, मेरा नाम मुस्कानुषी है। आज मैंने पहली बार मतदान किया है। मैं सभी से ये निवेदन करती हूँ कि आप भी अपना मतदान करके अपने लिए एक बेहतर सरकार चुनें। पहली बार वोट किया है, मुझे वोट करके बहुत अच्छा लगा। आप सबसे यही अपील है कि अपना नेता खुद चुने और खुद की सरकार बनाए। थैंक यू। मेरा नाम शमुना बानू। मैंने पहली बार वोट किया है। मैं सबसे ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद करूँगी कि सब अच्छा नेता चुने और अपनी सरकार बने। नाम क्या? मेरा नाम फलकनाथ गोरी। फर्स्ट टाइम वोटिंग की है। वोटिंग करके अच्छा लगा है और सबको अपना मतदान खुद को चूज करना चाहिए कि सबको अच्छी सरकार मिले। वोट के आज वोट डालने के लिए आए हैं और सभी से अपील करता हूँ, सभी अपने घरों से निकले और वोट डालें। और सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि कृपया बहुत जल्दी से जल्दी वोट डालें और देश का भविष्य उज्जवल हो। हमारे यहाँ मोचीवाड़ा स्कूल में बहुत ही शांतिपूर्वक वोटिंग हो रही है और सभी मतदाताओं में बहुत ज़्यादा उत्साह है। और मैं सभी मतदाताओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और अपने कोई भी कैंडिडेट हो उसको मतदान करें। मतदान बहुत अपनी ताकत है, वोट की ताकत को समझे और मतदान करें। आज मतदान दिवस है। भारत के भविष्य के लिए हमें मतदान करना है। सब आए मतदान करें, भरपूर मतदान करें। हमें इस मतदान को 100% तक बढ़ाना है। आइए मतदान करें। मैंने अपना वोट दे दिया है। मैंने भी दिया है। आप सब भी आइए, अपना वोट दीजिए। वोट देना चाहिए लगे ना। अपने एक वोट का खाता क्या करें आप सब ने जरूर चाहिए। प्रथम चरण में हुए लोकसभा चुनाव को लेकर सीकर में मतदाताओं में भारी उत्साह रहा। मतदाताओं ने बड़े ही उल्लास के साथ घरों से निकलकर अपना मतदान किया। इस दौरान पहली बार लोकसभा का मतदान करने वाले युवाओं की भी बड़ी संख्या रही। सुबह के समय पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं का सम्मान भी किया गया। मतदान करके युवाओं ने अच्छा महसूस किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। मोदी
माधोगंज मोहल्ले से। लोकसभा का पहला चुनाव है ये, मेरा ये दूसरा वोट है। मैं सूरत से आई हूँ, स्पेशली मैं आज इसीलिए यहाँ पे वोट देने आई हूँ और अच्छा लग रहा है बहुत वोट दे के। और मेरी बहन का पहला वोट है, इसको साथ में मैं लेके आई हूँ वोट देने के लिए। मेरा नाम भूमि मोदी है और मैं बजाज रोड से आई हूँ। ये मेरा पहला वोट है और ये मेरा लोकसभा का पहला वोट है और मेरे को वोट देके बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके बाद सर्टिफिकेट भी मिला है, ये मेरा पहला सर्टिफिकेट है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो भी है इसका जो प्रतिक्रिया है वो बहुत अच्छी लगी। वोट डाला, वोट डाल के अच्छा लगा, यहाँ सुविधाएं बहुत अच्छी थी। और बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सबको वोट डालना चाहिए क्योंकि सभी के राइट्स हैं और ड्यूटी है। हम डालेंगे तभी हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा। आज हमने फर्स्ट बार वोट डाला है, हमें वोट डाल के बहुत अच्छा लग रहा है। हमें अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। आज मैंने मेरा पहला वोट डाला और मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ कि आज मेरा प्रथम वोट है। और मैं सभी से अपील करना चाहती हूँ कि सभी अपना वोट दें क्योंकि ये जरूरी है। और वोट देते समय हमें एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी भी किसी के भी बहकावे में आकर अपना विशेष वोट किसी और को नहीं देना चाहिए। हम अपना वोट का चयन खुद कर सकते हैं। सीकर लोकसभा क्षेत्र के 2080 मतदान केंद्रों पर शुक्रवार को शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। इस दौरान मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहे। लोकसभा क्षेत्र के 415 संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। वहीं मतदान समय के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी कमरुल जमान चौधरी और पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव लगातार निगरानी बनाए हुए रखे थे। उन्होंने कई मतदान केंद्रों की विजिट की, वहीं वॉर रूम से लगातार सूचनाओं का संकलन किया। सीकर शहर में मतदान के दौरान अनेक बूथों पर मतदान की अनेक तरह की झलकियां देखने को मिली। मतदान केंद्रों पर जहां युवा मतदान करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे, वहीं बुजुर्ग लोग भी अपने परिजनों के सहारे से मतदान केंद्रों तक पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान दिव्यांगजन भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी खुलकर के अपना मतदान किया। कई बूथों पर दूल्हा दुल्हन भी अपने घर की बाकी की रस्में छोड़कर मतदान करने के लिए पहुंचे। शहर के एक बूथ पर दूल्हे ने बताया कि उसका गुरुवार रात को ही विवाह हुआ था, आज घर में कई तरह की रस्में हो रही है, लेकिन उन्होंने उससे पूर्व मतदान करना ज्यादा जरूरी समझा और दुल्हन के साथ पहले वोट डालने के लिए आए। कल शादी हुई, अभी सारे काम के और अभी वोटिंग करने के लिए आया हूँ। कहीं ना कहीं देखा जाए तो वोटिंग बहुत जरूरी है और अपना मत अवश्य करें, इससे छोड़े ना, भले ही नोटा पे करें पर वोटिंग जरूर करें, यह बहुत जरूरी है। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से ये अपील करना चाहेंगे कि जो पॉजिटिव है आपको लगे उस टीम को आप वोट करें और उसको जीता। ये हमारी माता जी हैं, 92 ईयर्स की हैं और मतदान के लिए हमेशा आते हैं। ये और हमारे पिताजी और माता जी दोनों मतदान के लिए बढ़ चढ़ कर देश हित के लिए वोट देते हैं। अभी तक कम से कम 17-18 बार तो वोट दे चुके हैं। दुर्गा देवी, आज वोट दे बताया। तो अब लोगों ने क्या कहना है, दारो सब ने वोट दो आज एक दे दो कुछ किन देवाई मैं तो कराई।